YouTube चैनल बना लिया पर टॉपिक नहीं मिल रहा वीडियो बनाने के लिए। चलो टॉपिक भी मिल गया तो वीडियो बनाने नहीं आ रहा। डोंट वरी, इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन बस इस एक वीडियो में मिलेगा। बस एंड तक बने रहना और इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से जरूर एक वीडियो जरूर अपलोड करोगे। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है टॉपिक पर कि हम चैनल तो बना लेते हैं लेकिन टॉपिक नहीं मिलता। डोंट वरी, इसका भी रीज़न है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना, इसका एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आप वीडियो अपलोड जरूर करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो एंड तक बने रहना और प्लीज़ यार लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो हमारा पहला आंसर आता है ये कि भाई टॉपिक कौन सा डालें जिससे कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए, तो वो मैं बताता हूँ। तो देखिए ऐसा होता है कि आपके पास कोई टैलेंट भी नहीं है ना ही कोई टॉपिक है, तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, यानी जैसे फुटबॉल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गेमिंग या फिर डांसिंग वगैरह, जो टोटली कुछ भी हो, आप वो चीज़ देखो मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, शुरू हो जाओगे। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं भी हो या सब में अच्छे हो फिर भी आपको सोच रहे यार मैं किस में डालूँ वीडियो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी बात सुनो। ऐसा होता है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार हमारी वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी, ये डालूंगा तो चलेगी नहीं चलेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन है वो हर चीज़ में है, चाहे आप गेमिंग में आओ या डांसिंग में या फिर कॉमेडी, किसी भी चीज़ में कंपटीशन हमेशा रहेगा। ये मत सोचना कि कंपटीशन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, कंपटीशन आज भी है और कल भी रहेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है पहले आप अपनी हॉबी देखो फिर आप यूट्यूब पर आओ। चलो छोड़ी सारी बात छोड़ो कि आपके पास कोई हॉबी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, आपको अपना यूट्यूब चैनल चालू करना है, हो गया। होने के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर न्यूज़ देखो, उसमें कोई भी ऐसी जो चीज़ दिखाई दे आपको, यानी जो दिखे कि भाई ये चीज़ मुझे हटके लगी, बस उसी के टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दी, वो आपके मान लो अगर नहीं चली कोई दिक्कत नहीं है, फिर और देखो। ये मत सोचना कि अगर आपकी एक वीडियो नहीं चली तो वो कभी नहीं चलेगी, आप बनाते रहो, आज नहीं तो कल उसमें व्यूज आने हैं। कभी भी अगर किसी काम को करो तो शिद्दत से करो ताकि बाद में पछतावा ना हो कि मैंने अपनी पूरी मेहनत नहीं करी इसलिए मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियोस डालो जितना हो सके उतना डालो। टॉपिक का मेन रीज़न क्या होता है कि भाई हमको कोई टॉपिक दे दे जिसमें बढ़िया सी कैटेगरी आ जाए और मैं जल्दी से फेमस हो जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई और हो। इससे बड़ा रीज़न क्या आता है ये कि भाई मैंने चैनल का नाम मेरा अच्छा नहीं है या मेरी वीडियो की कैटेगरी अच्छी नहीं है, सब सेम होता है, किसी का चेंज नहीं होता इतना। आप ये मत सोचे कि मैं नया हूँ तो मेरा चैनल खराब है, बिल्कुल नहीं, शुरू शुरू में सबको प्रॉब्लम होती है, आपको भी होगी। इसीलिए बस आपको एक काम करना है कि टॉपिक ढूंढो, और टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता दूँ। टॉपिक के लिए सबसे बड़ा रीज़न है आपके पास एक तो पर्सनल फ़ोन होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए, और अगर आप काम करते हो और फिर भी आपको यूट्यूब वीडियो बनानी है तो आपके पास 2 से 3 घंटे टाइम होना चाहिए ताकि आप वीडियो को सोच सको और बना सको। देखिए ये बात कोई नहीं बताएगा, हर कोई टॉपिक बता देगा लेकिन कैसे बनानी है वो चीज़ नहीं बताएगा। अब आदमी के पास टाइम है या नहीं है वो किसको पता, वो सिर्फ आपको पता है कि भाई मेरे पास टाइम है या नहीं है, बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ। वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर ये काम आसान होता तो हर कोई यही काम करता, कोई भी काम आसान नहीं होता, ये बात मेरी बात आप समझ जाओ कि ज़िंदगी में कोई काम आसान नहीं है, हर काम मुश्किल है, चाहे वो वीडियो बनाना हो या वीडियो देखना हो। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, आपके पास फ्री टाइम, फ्री मोबाइल और फुल्ला